फ्रेंड्स, ये नान को देखिए कितना सॉफ्ट बने हैं, साथ साथ खाने में बहुत ही लाजवाब है। घर पे सिंपल तावे पे ये बने हुए हैं, बिना तंदूर के। हाँ, आप भी ऐसे ही सॉफ्ट और मज़ेदार बटर नान अपने घर पे तावे पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरी ये वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीतामा। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार नान की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नान के लिए हम आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप आटे से भी ये नान बना सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अभी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है ईस्ट का घोल। फ्रेंड्स, ये ईस्ट नान या रोटी को बाजार जैसी सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। तो देख लेते हैं ये ईस्ट का घोल कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक छोटी बाउल में हम थोड़ा सा गर्म दूध डाल देंगे। आप दूध की जगह गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर या चीनी डाल देंगे और डालेंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट। ये ईस्ट आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। 50 रुपीज़ का कंटेनर में ये आता है, ये देखिए। तो ये सस्ते में ही मिलते हैं, फिर भी मैं ईस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए, तो अभी 1 चम्मच से इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 7-8 मिनट ये ईस्ट को एक्टिव होने के लिए छोड़ देंगे। इन 7-8 मिनट में ये ईस्ट हमारा फूल जाएगा। तो 7-8 मिनट बाद ये देखिए ईस्ट हमारा एक्टिव होके फूल गया है। तो अभी हम इसे मैदे में मिक्स कर देंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना दूध डाल के नान के लिए नाड़ा माटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो जैसे आप चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे ही नान के लिए भी आटा लगाना है। बिना ईस्ट के भी आप एकदम सॉफ्ट नान बना सकते हैं। तो ईस्ट की जगह आप 1 कप दही, होममेड दही, और साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसी के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ करके ये नान बना सकते हैं। आटे को गूंथने के बाद अब हम इसमें और 1 चम्मच तेल डाल के इसे और थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो नान बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है, आपके नान एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो आप दूध की जगह गुनगुने पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे हल्का सा तेल से ग्रीस कर देते हैं और 1 घंटे के लिए एक बाउल से इसे कवर कर देते हैं ताकि इसमें हवा ना आ सके। तो 1 घंटा बाद ये देखिए डो हमारा फूल के दुगना हो गया है और साथ साथ कितना सॉफ्ट बन गया है। आप देख सकते हैं ईस्ट डालने की वजह से आटे में ऐसे टेक्सचर आए हैं। अब हम ये आटे से एक बड़े नींबू के जैसे लोई तोड़ेंगे। फ्रेंड्स, बाजार में नान कुलचा बनाने में ऐसे ही आटा लगाया जाता है और तभी तो जाकर इतना सॉफ्ट बनते हैं नान कुलचा, और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए इतने आटे में हमारे 6 लोई बने हैं। तो एक लोई लेकर इसे हल्का सा ड्राई फ्लावर पे लपेट के इसको हम बेलेंगे। अक्सर नान ओवल शेप के दिखते हैं, लेकिन आज हम गोल शेप का नान बना रहे हैं, नॉर्मल रोटी चपाती के जैसे, पर इसे हल्का सा मोटा बेलें। शेप में क्या है, खाने में नान सेम ही रहेगा, पर शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पर दोस्तों, आप चाहे तो ओवल शेप की भी इसे बना सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता डाल रहे हैं और फिर से इसे बेल लेते हैं ताकि धनिया जो है चिपक जाए इसमें अच्छे से। तो इसके दूसरे साइड में भी हम धनिया पत्ता लगा देते हैं। आप चाहे तो अभी इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड लहसुन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कलौंजी ऐड कर सकते हैं, पर हम ये सब कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। एकदम सिंपल, बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट नान हम आज बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा, पर आप चाहे तो लहसुन ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो आज हम नान को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सीखेंगे। तो उसके लिए एक तावा लिया है और इसमें ये नान को हम रख देंगे। इसमें कोई पानी वगैरह लगाने की झंझट नहीं है, जस्ट पराठा की जैसे दोनों साइड से एकदम गोल्डन करके इसे सेकना है, बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बबल्स आना शुरू हो गया है और बढ़िया ये फूल रहे हैं। तावे को आप पहले से मीडियम हीट कर लें
और नान को आप मीडियम फ्लेम पे बोथ साइड से गोल्डन ब्राउन करके सेक लें। तो थोड़ी देर बाद इसे ऐसे पलट दें। आप देख सकते हैं दूसरे जो साइड है एकदम गोल्डन हो चुका है, बढ़िया सिक चुके हैं। तो बिल्कुल उस तरह से नीचे का पार्ट भी सिकना है, एकदम मीडियम फ्लेम पे आप सीखें। तो अभी इसमें हम बटर ब्रश कर देते हैं, इससे हमारा नान बहुत ही टेस्टी बनेगी दोस्तों। और ये देखिए नान के दोनों साइड्स बढ़िया सिक चुके हैं। तो ये हमारा नान बन के तैयार है। तो झटपट इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फटाफट बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम बाकी नान को भी तैयार कर लेते हैं। तो झटपट एक एक नान को बेले और सीख ले। तो नान का जो एक कॉन्सेप्ट है कि नान के एक साइड पानी लगा के आयरन तवा पे सीखने की प्रोसेस, वो सब प्रोसेस आज हम नहीं बताएंगे आपको। आज हम जो नान बना रहे हैं एकदम बिना झंझट के तावे पे दोनों साइड से जैसे हम पराठा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे गोल्डन ब्राउन करके हम इसे सीकेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट बने हैं, टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसे आए हैं। दोस्तों नान को आप किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि पनीर की बहुत सारी ग्रेवीज आते हैं, बहुत सारी पनीर की रेसिपीज है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी। चाहे तो आप कोई भी नॉनवेज डिश के साथ खा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। पर ये नान को इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकते हैं बिना झंझट के, बिना तंदूर के तावे पे इसे मैंने बनाना बताया है। तो जैसे हम सोचते हैं कि घर में नान बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये वीडियो देखकर आपके दिमाग से सारी गलतफहमी एकदम दूर हो जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये रेसिपी को ट्राई करना है। और आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक नान जो है एकदम सॉफ्ट बाजार जैसे टेक्सचर आ चुका है। और अब हम इसे ऐसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए ज़्यादा मोटे भी नहीं बने हैं, एकदम फ्लाफी है, जैसे हम नान खाना पसंद करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बने हैं। इसे खाने में मज़ा आ जाएगा, आप इंजॉय करके इसे खा सकते हैं। इसका अंदर बबल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी है, इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो बिल्कुल देर ना करके ये रेसिपी को आप बना लीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।